वेलकम बैक टू चैनल। तो कैसे हो आप सभी? गुड मॉर्निंग आप सभी को, और स्वागत करता हूँ आपको एक नए वीडियो में। और मैं आ गया हूँ पाटडी वडिंद्र धाम टेम्पल। अपने पिछली वीडियो भी मैंने बनाया था पाटडी पे, लेकिन उसमें कुछ खास बताया नहीं था, तो सोचा आज फिर से आते हैं, पार्ट टू बनाते हैं। इस टेम्पल के पीछे भी कुछ चीज़ें हैं जिसको एक्सप्लोर करते हैं, और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए गाइस, बड़े बड़े हाथियों के ऊपर दरबान लगे हुए हैं आपके स्वागत में, ऊपर सूर्य भगवान, और इधर भी चीज़ें, ये चरण पादुका से भी है। पतंबल का डिज़ाइन जो है किसी इंजीनियर ने नहीं बनाया था, जो सामने स्टैचू आपको दिख रही है इन्होंने ही बनाया था। ये सूरत के गुरुकुल में वल्लभ भाई हैं जिन्होंने इस टेम्पल को सिर्फ के पेन और पेपर पर बनाया था, इसको आज आप यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट लुक। बाकी तो चीज़ें आपको दिखाई है मैंने, आज इस टेम्पल के कुछ पीछे के कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे इसके बारे में थोड़ा और कुछ चीज़ें डिटेल। तो लास्ट तक बने रहना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस यार, पिछली बार हम आए थे ना, तो ये सब जो झरने आपको दिख रहे हैं, ये जो पेड़ के बाद जो झरने पानी वगैरह गिर रहे थे, यहाँ पे तो गिर रहा था जैसे महादेव का, आपने देखा था पिछली बार, ये वाला पानी वगैरह नहीं था क्योंकि उस टाइम पे धूप बहुत ज़्यादा था। लेकिन इस बार आए हैं तो थोड़ा मानसून का मौसम है, और धूप होने के कारण, अरे सॉरी, बारिश होने के कारण पानी भर गया। इस वजह से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, और यहाँ पे जो है पानी वानी सब झरने वरने चल रहे हैं, विजिबल है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। अब इस बार का आपको व्यू दिखाऊंगा, इस तरह को बहुत अच्छा लगेगा। चलो गाइस, आपको ले चलता हूँ अंदर टेंपल में, दिखाता हूँ जो पिछली बार बंद था लेकिन इस बार चालू है। ये देखो, देखो गाइस, किसी को बोल रहा था। आता है पिछली बार जब हम लोग आए थे, कि आपने वीडियो पिछली देखी होगी तो उसने आपने देखा होगा, सब चीज़ें नहीं चल रही थी, सब चीज़ें बंद थी, लेकिन इस बार चल रही हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। तो ठीक, मानसून का टाइम आया था, बारिश वरिश हुई थी, पानी वानी भर गया था, इस वजह से यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना, इस वजह से
चलो आपको दिखाता हूँ, अब मैं सीधा ज़्यादा इधर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा मैं आपको बैक ले चलता हूँ, उसके पीछे जो है स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ। सब चीज़ें गाइज आपको पिछली वीडियो में शायद मैंने नहीं दिखाया होगा, मेरे को जाना है वहाँ पे उधर पार्क में हमको जाना है और इसका फीस शायद 200 बता रहे हैं 100 रुपये है, देखते हैं चल के कितना है कितना नहीं है और दिखाते हैं आपको इसके बारे में कुछ अलग चीज़ें। बहुत अच्छी चीज़ें हैं यार, देखो बच्चों को खेलने लायक है, छोटे बच्चों को ला सकते हो आप। गाइस वाटर पार्क भाई, हालांकि वो बिगड़ चुका है ना, चलते हैं उधर चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। गाइस यार हम आपको ये सब टेंपल तो दिखाया था मैंने, आपको सारा टेंपल दिखा दिया था, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो आपको नहीं दिखा पाया था मैं उस वीडियो में, तो दिखाता हूँ अभी आपको। चलो गाइस मैंने आपको ये टेंपल तो पिछली वीडियो में दिखाया था, अगर नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख लेना। और लेकिन मैंने नीचे नहीं गया था, मैं नीचे आपको दिखाता हूँ नीचे का जो भी टेंपल है यहाँ पे, जो श्री कृष्ण अवतार बोल लें या फिर श्री रामा अवतार बोल लें, उनका मतलब जो भी जीवनी है, रामायण है, श्री कृष्ण लीला है, सारा चीज़ों को दिखाया गया है। हालांकि लॉक किया गया ताकि कोई अंदर ना जाए। बाकी ऐसी कुछ शंख टाइप की आकृतियाँ बना रखा है इन्होंने, काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसा कुछ डिज़ाइन बनाया गया, वास्तुकला आप देख सकते हो कितनी अच्छी बनाई गई है और काफ़ी आकर्षक लगता है। श्री रामचंद्र ये हो गया, अभी पॉसिबल तो नहीं है मेरे को कि एक वीडियो में आपको हर एक टेंपल के अंदर जा के सबकी मूर्तियां दिखाऊं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सोचूंगा, कोशिश करूंगा आपको शॉर्टकट में जितना हो सके उतना दिखा सकूं। देखो टेंपल का यहां से कुछ ऐसा नज़ारा आता है, काफ़ी बेटर लगता है, मस्त लगता है। मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था कि इस टेंपल को किसी इंजीनियर ने नहीं, सूरत के एक आश्रम के रहने वाले वल्लभ भाई थे, उन्होंने इसका स्केच बनाया था पेपर पे, जिसको कि अब बनाया गया इसमें हकीकत में टेंपल बनाया गया, तो कुछ इस ढंग का दिखता है। यार आपको मैंने दिखाया है इस टेंपल के आजू बाजू में जितना भी राउंड में सर्कल में बनाया गया है, जो शंख जैसे आप ये जो देख रहे हैं ना टेंपल, इसमें श्री हरि विष्णु जी के जितने भी सारे अवतार हैं, रामा अवतार हो गया, कृष्ण अवतार हो गया, जितने अवतार हैं उन सबके मूर्तियां लगी हुई हैं और उसके बारे में कुछ वर्णन बताया गया है। तो वीडियो में उतना कुछ दिखा पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वैसे ही आप लोग नहीं देखते हो, आधा ही छोड़ देते हो। कुछ ऐसा नज़ारा है हमारे पीछे का, चलो चलते हैं आप पार्क में, देखते हैं कैसा है। गाइस यार अगर आपको यहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह है, पे पीछे बताया था वाटर पार्क वगैरह है, जो पार्क वगैरह है, आप अगर जाना है ना तो आपको टिकट यहाँ पे लेनी पड़ेगी। देखो यार स्विमिंग पूल वगैरह का तो पोस्टर लगा हुआ है, फिर टिकट काउंटर है, टिकट यहाँ पे ले सकते हो। 100 रुपये, 120 रुपये और 150 रुपये का प्राइस है, मैं बताता हूँ आपको कैसे है क्या है, चलो देखते हैं। अगर आपको कुछ खाना पीना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, पीछे कैंटीन एरिया बना हुआ है इधर आपका, आप यहाँ पे आ सकते हो, भी खाना पीना हो आप यहाँ पे आ सकते हो। देखो सारे काउंटर्स लगे हुए हैं, पैसे दो पेड करो और यहाँ पे बैठ के खाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पानी वानी पीने के लिए इधर की व्यवस्था है और देखते हैं नेक्स्ट। आप काउंटर से यहाँ से कुछ भी खरीद के खा सकते हो, साउथ इंडियन हो गया, हलवाई पानी पूरी, अरे सब कुछ मिलता है यहाँ पे, पंजाबी गुजराती सब कुछ खा पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे सिर्फ होने चाहिए पास में, ऐसे हो सब कुछ मिल जाएगा आपको। अगर प्राइस रेट आप देख लो तो बड़े पास का रेट देख लो, जो भी गुजराती अगर आपको समझ में आती होगी तो आप यहाँ से ले सकते हो, जो भी लेना है आपको। और क्या कुछ, और दो दोस्त मेरे खा रहे हैं, क्या क्या खा रहे हो भाई, कितने का पड़ा थाली? मसाला डोसा 70 रुपया। 70 रुपये का, चलो आप 70 रुपये खा सकते हो मसाला डोसा आराम से, थोड़ा तो पेट भर ही जाएगा।
बाकी नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। अगर हमें भी लगी है भूख और हम जा रहे हैं खाने के लिए, कुछ देखते हैं यहाँ पे। हाँ, लेकिन यहाँ एक बात है, आप यहाँ जब भी यहाँ पे आओ कैश लेके आओ भाई, यहाँ पे ऑनलाइन UPI वगैरह कुछ वर्क नहीं करता, आप यहाँ पे कैसे निकाल सकते हो। तो देखते हैं क्या लेते हैं। सो गाइस, जब काउंटर पर आपको पैसे देने होंगे, कुछ ऐसी पर्ची आपको मिलेगी और फिर आपको जा करके जहाँ मिलता है मेरा, मैंने हम लोगों ने मंगाया मसाला डोसा जो कि पड़ा हमें 210 का टोटल। बाकी साउथ इंडियन काउंटर नंबर 10 यहाँ पर आपको काउंटर पर देना होगा आपको, और फिर आपको मिल जाएगा मसाला डोसा जो भी 10 नंबर। कोई है ही नहीं यहाँ पे भाई, ले गए अंदर और आपको शर्व करेगी आपको खाना जो भी आपने ऑर्डर किया है। कुछ खा पी लेते हैं फिर आपसे बात करते हैं, फिर चलते हैं सीधा पार्क में और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का स्विमिंग पूल जो है वो कैसा है, वाटर पार्क है और बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने फिरने में, बच्चों खेलने लायक है, तो थोड़ा इन्जॉय कर सकते हो आप भी। खा लेते हैं फिर चलते हैं। गाइस यार, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई हो पसंद तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। लाइक करोगे आप तो मेरे को पता चलेगा ना कि आपको पसंद आ रहा है वीडियो कि नहीं। थोड़ा आदमी का मोटिवेशन बना रहता है यार, तो सब्सक्राइब करो यार।